गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24x7 जॉब इंफॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी कैंडिडेट्स का यहाँ पर होता है जो मैं इंडियन आर्मी के द्वारा जुड़े होने के काम करूंगा। यहाँ पर आपको आपको एक मौका है इंडियन आर्मी के साथ आपको काम करने का, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप देखते हैं आपका है, देख से आपका यहाँ पर जो टेक्निकल जो ग्रेजुएट इंजीनियर है जो बीटेक बी काम जो यहाँ पर स्टडी करते हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग कैरियर पर नहीं अप्लाई कर सकते, और जो अनमैरिड है सिर्फ वही ध्यान रहे, ठीक है? आपके यहाँ पर ट्रेनिंग कर जाएगा, आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में वही पर ही आपका ट्रेनिंग होगा। देहरादून में आपको एज लिमिट आपको देख सकते हैं, आपको 20 साल से लेकर आपको 27 साल का आपका एज लिमिट होना होगा। 2023 आपको एज लिमिट काउंट करना होगा 1 जनवरी। आप देख सकते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोग जानते हैं, आपको बीपीटेक आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद देखते हैं आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर मेन जो खास चीज है जो यहाँ पर फाइनल ईयर जो अपियरिंग स्टूडेंट है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और जो कैंडिडेट ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर 2023 बोलो फर्स्ट तक जो 2022 में ही पास आउट होंगे जो अप्लाई करेंगे जो अपियरिंग स्टूडेंट वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मानो जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट है सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने खास यहाँ पर आपको बोल दिया। इसके दौरान आपको डॉक्यूमेंट सारा आपको ले जाना होगा। फोर्थ ईयर आपको फोर्थ ईयर का डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्कशीट आपको ले जाना होगा डॉक्यूमेंट के टाइम यहाँ पर आपको, ठीक है? आपको वैकेंसी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो आपका पोस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पर आपको वेरियस ब्रांचेस है, यहाँ पर देख सकते जो सिविल इंजीनियरिंग में ही है जो अलग से ब्रांचेस है यहाँ पर। और ध्यान रहे जिस भी कॉलेज से आप बी बीटेक कम्प्लीट करेंगे उस कॉलेज को AICTE के द्वारा अप्रूव होना होगा, तो ही आपको डिग्री टेबल मान्यता दी जाएगी, तो ही आपको डिग्री आपको वैलिड आपको नहीं होगा। टोटल यहाँ पर आपको 9 वैकेंसी है, काफी कम वैकेंसी है, ठीक है? आपको इसमें आपको आपको फाइट करना होगा, ट्राई आपको करना होगा। उसके बाद आता है जो आपका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसके बाद जो यहाँ पर मैकेनिकल है, मैकेनिकल सिर्फ 6 पोस्ट है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है यहाँ पर टोटल आपका सिर्फ 3 पोस्ट है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस यहाँ पर टोटल आपका ऐसे 8 पोस्ट है। उसके बाद जो IT है, IT में भी आपका सिर्फ 3 पोस्ट है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो आपका सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर आपका 3 पोस्ट है। लगभग लगभग 3 4 5 6 करके आपका पोस्ट दिया है, ज्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं दिया है। उसके बाद आता है आपका जो एरोनोमेटिकल एयरोस्पेस इंजीनियर है भी आपका सिर्फ 1 पोस्ट। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका सिर्फ एक बार सिर्फ 1 पोस्ट। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी आपका एक, प्रोडक्शन में भी आपका एक है, और जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिर्फ आपका 1 ही पोस्ट है। उसके बाद जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सिर्फ 1 पोस्ट है। टोटल मिला के आपको यहाँ पर सिर्फ 40 पोस्ट है, काफी कम पोस्ट है। आपको यहाँ पर को फाइट करके आपको कोशिश आपको मेहनत करके आपको यहाँ पर लाना होगा, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते। और एक आपका खुशी की बात हो सकती है, पर यहाँ पर उन लोगों ने टेंटिवली दे दिया, वैकेंसी आपका चेंज हो सकता है डिपेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रहे। और यहाँ पर आपको देगा, आपको कंप्लीट आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या आपको पोस्ट देगा, उसके द्वारा आपको ग्रैंड कमीशन आपको लेफ्टिनेंट यहाँ पर आपको पोस्ट देगा, ठीक है? इसके बाद आप परमानेंट कमीशन एंड डेटा जो सेंसिटिविटी है यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड आपको 49 वीक से आपको काफी लंबा ट्रेनिंग चलेगा।
और ट्रेनिंग ट्रेन आप घर वालों से नहीं मिल सकते, वो भी आपको नहीं मिल सकते, और बाहर आपको नहीं जा सकते, कुछ रूल्स है आपको यहाँ पर। और रिफंडेबल ट्रेनिंग कॉस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते, आप रूल्स ही फॉलो करेंगे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग टाइम आपको स्टाइपेंड मिलेगा अच्छा खासा, और जो अलाउंस मिलता है सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर पीजे ज़्यादा बड़ा है, आप लोग बाद में चेक कर लेगा, ठीक है। और जो आपका प्रोमोशन रैंक है, आपको ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको 2 साल कैप्टन, फिर 6 साल बाद आपको मेजर, उसके बाद आपको 3 साल बाद आपको लेफ्ट कर्नल, और 26 साल के बाद आपका मिलेगा कर्नल डीए। उसके बाद आपको ऑन सिलेक्शन में इससे आपको सब्जेक्ट फुल फिल आपको कर जाएगा, उसके बाद कर्नल ब्रिगेडियर मेरा जो जो है आप यहाँ जाकर देख सकते आपको लेफ्टिनेंट जाके आपको पे लेवल 10 आपको सैलरी मिलेगा, देख सकते हैं आपको 56,100 आपको सैलरी मिलेगा, आपको बेसिक सैलरी आपका मिलेगा अच्छा खासा लाख, आपको 1 लाख रुपीज की सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो मिलिट्री सर्विस पे ए भी आपको मिल रहा है, मिलेगा 15,000 रुपये फिक्स स्टाइपेंड, जो कैडेट ट्रेनिंग होगा वो भी आपको एवं मिलेगा स्टार्टिंग के बाद, ठीक है। जो क्वालिफ जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रैंड है, फ्लाइंग फ्लाइंग अलाउंस जो 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 अलग से अलाउंस मिलता है आपको, डीसी अलाउंस, पैरा अलाउंस, ठीक है, पैरा अलाउंस से पैरा रिजर्व अलाउंस जो जो अलाउंस में ए सभी आप देख सकते हैं। आपको हायर के हायर विशेष इंग्लिश है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, ठीक है, रेशो ऑन द काइंड आपको 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 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ठीक है। जो 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 मिलता है आप यहाँ पर सब लोग जा आप यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल फिजिकल रिवोल्यूशन है, सब कुछ आपको मिलेगा, पेड और चिल्ड्रेन अलाउंस से सब कुछ आपको मिलेगा। सैलरी का है, सैलरी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये देश की सेवा के लिए काम है यहाँ पर, सैलरी कुछ नहीं है आपका, देश के सिवाय सबसे बड़ा आपका काम है, ठीक है। और आपको हाउ हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हो, ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीडिंग टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके यार सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर पहला का सीबीटी आपको जो स्टेज 1 का स्टेज 2 आपको एग्जाम के पता है, आपको आपको एसएसबी के द्वारा आपको यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मेडिकल द्वारा जो जो क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है उसके बाद ही आप आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ और एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, जो आपको आपको मेरी तरफ से आपको एक लास्ट आपको बात है, आपको जो भी आपको डाउट है फुल फॉर रीजन, क्योंकि क्योंकि आपको डाउट आपको होना ही है, ठीक है, आपको डाउट तो आपको होगा ही, सब चीजों में आप पहली बार देखेंगे आपको थोड़ा बहुत डाउट तो आपको होगा ही, ठीक है। तो सो प्लीज घबराएगा मां, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं, मैं आपको दे आपको मैं आपको जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा मेरे थोड़ा भरोसा रखिए और थोड़ा धीरज रखिए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको जॉब रिलेटेड हर रोज वीडियो आपको नए तरह का वीडियो आपके पास आएंगे, और आपको आप जॉब जॉब रिलेटेड वीडियो आपके पास आएंगे, आप देख के आप क्वालिफिकेशन रैंक सैलरी वगैरह जॉब प्रोफाइल देख के आपको अप्लाई करने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। इसीलिए आपको आपके लिए ही आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको अप्लाई करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपको गलती हो जाएगा, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसलिए आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको देख के कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, और कुछ गलती भी आपको नहीं करनी, ठीक है। हमारे इस चैनल में हर रोज वीडियो आते हैं, आप रोज देखिएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ, और सभी के लिए एक चीज देख सकूँगा, सब कुछ देख के ठीक से समझ से उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। चलिए मैं अब चलता, थैंक यू।